झूठ बोलने की आदत गलत है ना। नंबर भी नहीं बात करेंगे। मैंने नंबर तक मिलाया उनके ना दूसरे नंबर पे। मुझे पता है वो यही हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ, वीडियो में दिखाते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया भाई ऑडियंस हमसे मिलने आ रही, ये आ रही। एक्चुअली में जब एक गुरु वहाँ पर जाता है तो आप क्या बर्ताव करना है यहाँ पर। 24 घंटे से यहाँ पर हूँ सर और मैं ऐसे भटक रहा हूँ। तो यार बड़ा सस्पेंस है यार, हमारा दिमाग खराब हो गया यार। मतलब कौन सही है इस पे, कौन गलत है? क्या वो वॉचमैन या मॉर्निंग का उनका जो टीम का मेंबर है वो जो मार्केट भेजा दिया, या इस समय जो बंदा दिल्ली भेजा दिया? सो फाइनली गाइस अभी हम हैं मिस्टर इंडियन हैकर के घर के पास। जैसे कि आपने पहला व्लॉग देखा था तो इससे पहले भी हम मतलब कल आए थे यहाँ पे, और आज फिर से हम आए हैं। और अंशु भाई भी यहाँ पे खड़े हुए। अंशु भाई क्या हाल है? बढ़िया 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 बढ़िया। कल आए हुए थे मॉर्निंग में, 30 जनवरी को मैं मॉर्निंग में आता हूँ यहाँ पर। मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई हैं, है ना, जानते होंगे आप। नहीं जानते हो तो हम क्या बताएं। चैनल उनका एक्सपेरिमेंट का नाम का, ठीक है। तो यहीं पर हैं अभी, स्टूडियो है ये स्टूडियो है, ठीक है। इधर ये ब्लैक होल वाला वीडियो देखा होगा, 3 वीडियो बनाई गई हैं एक ही जगह की, ब्लैक होल की। वो ब्लैक होल वहाँ पर बना हुआ है बाहर। कल सुबह मैं आता हूँ यहाँ पर करीब वही 10 बजे के करीब, ठीक है। तो एक घंटी बेल बजाई जाती है और बेल से बाहर एक गार्ड आता है। मेरी बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेल जब बजाते हैं तो अंदर से एक गार्ड आता है ना, सिक्योरिटी गार्ड है कोई भी हो, चलो आता है बाहर और हम अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारे हुए मिलना था। मैं कहता कहाँ से आओ बताया, तो उन्होंने कहा वो तो है नहीं, वो तो बाहर गए टीम के साथ बाहर गए। मैंने कहा मतलब टीम? कह रहे वो टीम है, तो वो तो है ही नहीं। मैंने कहा दिलराज भाई से मुझे मिलना, टीम से नहीं मिलना है। तो उसने थोड़ा सा क्या है ना बातों को फिर घुमाया, तो कह रहा कि वो टीम अलग अलग गई है, अलग अलग जगह गई है टीम, और दिलराज भाई भी गए हैं टीम के साथ। हमने कहा आप पहले कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। तो फाइनली गाइस एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं मॉर्निंग में। आज तो भाई ने बोला था कि दिलराज भाई मार्केट गए हैं, तो अभी फिर से एक बार आए, देखते हैं क्या सीन है, मिलते हैं या नहीं मिलते। क्योंकि दिलराज भाई तो अंदर हैं, लेकिन अब मिलते हैं या नहीं मिलते वो तो बात की बात है। तो अंशु भाई जा रहे हैं, बल्लाम भाई भी जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं, कोशिश करते हैं मिलने के लिए। इतनी दूर से आएँ मिल लें, बस वीडियो बनाना मैटर नहीं है, बस मिलना है। तो फाइनली चलते हैं आगे। तो झूठ बोलने की आदत गलत है ना। नंबर भी नहीं लगेगा, बात करेंगे। सर मैंने नंबर तक मिलाया उनके ना दूसरे नंबर पे, फिर भी कहा रॉन्ग नंबर। तो ये तरीका गलत है ना। फिर ऐसा कुछ नहीं है यार, आप मुझे बता रहे हो, मेरे टीम में आप हो, मेरे टीम में 3-5 लोग हैं मेरे पास, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, आप बताइए। अरे कोई हो या ना हो, लेकिन वो बंदा था, वो हमको बोला भैया शाम को तक आना, आ जाएंगे, वो मार्केट गए हैं। कल वो गार्ड बोल रहा है टीम के साथ बाहर गए हैं। हाँ जो अभी गए येलो स्टेशन में हुडी में। अरे अब वही है, आप कुछ भी बोलिए कि वो कौन है, क्या किसकी बातों में आ गए। अब आप कह रहे हैं नंबर भी नहीं सर। मैं कल से यही हूँ, अब मुझे पता है वो यही है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कल से यही हूँ, इसी वजह से मैं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। मैं सौरभ जोशी के पास भी गया था, लेकिन आप वीडियो में दिखाते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया भाई ऑडियंस हमसे मिलने आ रही, ये आ रही। एक्चुअली में जब एक गुरु वहां पर जाता है तो आप क्या बर्ताव करना है यहाँ पर, बताइए आप। मैं आपसे पूछना जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ से 800 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं, मेरा सेकंड ये है, सेकंड टाइम है। दिक्कत ये ना कि पिछली बार भी आए थे, पिछली बार भी नहीं मिले थे, बोल रहे थे नहीं है बाहर है, फिर आइएगा। ये मसला है ना कि दो बार यार, इस बार तभी मैं रुका हूँ, एक दिन खुद नहीं बनाना है, मतलब जरूरी हम लोग को वीडियो बनाना है, जरूरी नहीं होता। मतलब ये जैसे मान लीजिए अगर आप नहीं रहे तो कुछ बात हो जाएगी, क्रिएटर आप कम्युनिटी में हो, ऐसा नहीं कि आप अलग हो। समस्या यहाँ पर है, अभी वो बोले कुछ और, आप बोले कुछ और, कल गार्ड कुछ और बोल रहा है। हाँ आपको तो पता नहीं है, सही बात है, आपको तो पता ही नहीं है। अरे आप हो या ना हो पता ही नहीं है। अभी आप किन से बात कर रहे हैं? ये तो जो इनके टीम में उनसे बात कर रहे तो भाई तुमको नहीं मालूम ना कि हम वही लोग हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए, और अंदर से कुछ बंदे आए, टीम के थे कि नहीं थे, उन्होंने बोला कि भाई दिलराज भाई दिल्ली चले गए। दिल्ली से आ चुके सुबह, बोले कल जब कल हम लोग पहले दिन आए थे तो वो बोले कि भाई सारे टीम के साथ वो अलग अलग लोकेशन पे गए। तो उसके बाद फिर हम लोग गाँव से वाले ने बताया कि भाई वो बंदे यही हैं। तो देन उसके बाद मॉर्निंग में जब हम लोग आए थे तो भैया ने बताया कि वो गए राजस्थान मार्केट, आप शाम तक आइए, उसके बाद फिर आपसे मिलवाते हैं।
तो हम लोग शाम को मार्केट वगैरह जब घूम के आते हैं तो फिर भैया निकलते हैं। आपने वीडियो देखी पहले, आप ये वीडियो देखिए क्या बोल। मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं कल से 24 घंटे से यहाँ पर हूँ सर, और मैं ऐसे भटक रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, जायज नहीं है सर। आप बार बार मेरे को कोई दूसरा कुछ और बोल रहा है। अभी आप सुबह बोल रहे हैं, आपका ही नहीं अंदर से निकले। बोल दीजिए कि भाई हम नहीं, सामने का बंदा भी निकला, उन्होंने कहा आज ही अभी निकले, थोड़ी देर पहले वो दिल्ली निकल गए वहाँ घूम के आ जाइए मंदिर, उसके बाद। भाई साहब सुबह बोल रहे हैं कि वो गए मार्केट। मैं मार्केट गया कार से वहाँ ढूंढने उनको सर। घूमने गए फिर भी हम लोग किसान तक आते हैं। बात वो नहीं है भाई, बात सर ये देखिए, जो चीज़ें हैं वो आप स्पष्ट बोलिए या ऑडियंस वीडियो में फिर जो आप बताते हो वो चीज़ें फिर वीडियो में क्यों होती हैं, रियलिटी में क्यों नहीं होती? हम वही चीज़ जानना चाहते हैं। हाँ बताइए भैया, अभी अवेलेबल नहीं है, यहीं पर हैं सर। मैं जानता हूँ, मैं कल मैं भैया 24 घंटे से हूँ, ठीक है, मुझे पता है वो यहीं पर हैं। कल भी झूठ बोला गया मुझसे कि वो टीम के साथ चले गए, ठीक है, आज सुबह सुबह मैं गया हूँ 9 बजे। कल मेरे पास आए गार्ड, कह रहे हैं कि वो उन्हीं की बातों से पकड़ लिया मैंने वो, क्योंकि वो जिस तरीके से घुमा रहे थे हमको। अरे बता रहे थे दिलदार भाई साहब, बोल दीजिए कि कोई मनोज के साथ ही है, उसी टाइप का काम करते हैं, एक चैम्पियन है। आप बोलो 2 दिन से हैं, अगर आप चाहो तो 2 मिनट का समय देकर उनसे मुलाकात कर लीजिए या तो मना। नहीं भैया था, उन्होंने बताया कि नहीं दिलराज नहीं है, कहीं नहीं गए बाहर, वो हमें पता है। तो गाइस वीडियो देखा आपने, तो भैया बोल रहे हैं कि ये दिलराज भाई चले गए हैं दिल्ली मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, तो दिलराज भाई अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। सच में गाइस दिलराज भाई घर के अंदर हैं, यहाँ से मतलब दरवाजे के पास से एक थोड़ा सा मतलब छेद बना हुआ है देखने का, मतलब सुराग है, तो हमने वहाँ से देखा तो दिलराज भाई चेयर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई बंदा इतनी दूर से आया है। कल से यहाँ पे हम लोग हैं, लोगों से पूछ रहे हैं एटलीस्ट आप एक बार आकर मिलिए, वीडियो बनाना मैटर नहीं करता, सिर्फ आप आकर एक बार बात करिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही। लोग हर चीज़ यार, मतलब एक चीज़ तो मैंने देख ली, कैमरे के पीछे इंसान, कैमरे में इंसान दूसरा होता है, लेकिन कैमरे के पीछे क्या होता है वो आप नहीं जान सकते। तो वैसा सीन कुछ यहाँ पे हैं कि मतलब हम लोगों ने कॉल भी किया बहुत बार दिलराज भाई के पर्सनल नंबर पे, उन्होंने बोला कि हाँ रॉन्ग नंबर, यहाँ पे हैं वहाँ पे, आप लोग घुमा रहे हैं भाई, आपको नहीं मिल रहा तो कोई भी निकला है भाई बोलो कि भाई हम आपसे नहीं मिल सकते, तो हम लोग चले जाएंगे, ख़त्म काम, हम लोग दूसरे काम से आए थे, वो पास में थे तो हमने कहा चलिए मिल लेते हैं, तो देखते हैं क्या सीन है भाई। फाइनली गाइस हम लोग वहाँ से निकल आ चुके हैं और दिलराज भाई तो मिले नहीं। आपने जैसा कि वीडियो में देखा था कि मतलब क्या बताऊँ यार, कुछ समझ में नहीं है यार, क्या सही है क्या गलत, कोई मतलब प्रॉपर वे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हम लोग कल जाते हैं तो गार्ड बोलता है कि दो टीम जो है उनकी दो लोग कहीं बाहर गए, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, ठीक है। जब दूसरे दिन जाते हैं मॉर्निंग में तो भाई बंदा उनका बोलता है कि दिलराज भाई मार्केट गए राजस्थान के लिए, तो शाम तक आएंगे, जब तक आप जैन मंदिर घूम लीजिए, फिर शाम में देखते हैं। तो हमने कहा चलिए मार्केट चल के घूमाते हैं, घुमा। उसके बाद शाम में हम आते हैं तो उनकी टीम का एक बंदा बोलता है कि दिलराज भाई अभी दिल्ली के लिए निकल पड़े, दिलराज भाई जो है दिल्ली के लिए चले गए। तो यार बड़ा सस्पेंस है यार, हमारा दिमाग ख़राब हो गया यार, मतलब मिलना क्या हो गया, झूठ की एक मिसाल हो गई यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। अब देखो अगर गए भी होंगे तो ये नहीं बोल रहा कि नहीं गए होंगे, लेकिन सही क्या है, कौन सही है इस पे, कौन गलत है, क्या वो वॉचमैन या मॉर्निंग का उनका जो टीम का मेंबर है वो जो मार्केट भेजा दिया, या इस समय जो बंदा दिल्ली भेजा दिया, किसमें कौन सही है कौन गलत, आप बताइए आपको क्या लगता है। बाकी कोई वो नहीं है यार, हम लोग इतनी दूर से आए थे, सिर्फ मिलना था कि हमारा मीटअप था जयपुर में, आज मीटअप था लेकिन हमने कैंसिल कर दिया इसलिए कि चलो अब इतनी दूर आए तो मिल लेते हैं यार, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और दिलराज भाई अंदर ही थे, जैसा कि हमने शायद देखा था अपने आंखों से, पैसा धोखा खा गई हूँ बात अलग है, लेकिन थे तो कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, कोई अब हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश करना है, इतनी दूर आए थे मिलने के लिए लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई, लोग टाइम नहीं दिया, शायद पता नहीं क्या है, लोग शायद जो कैमरे में दिखते हैं वो शायद अलग होता है या कैमरे के पीछे जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो इसके बारे में तो भाई हम नहीं बता सकते, शायद वही है
इंसान कैमरे में ही अच्छा दिखता है लेकिन कैमरे के पीछे कैसा है वो हम लोग जज नहीं कर पाते। सफाई ले गाइस, यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना खतरनाक, कितना शानदार व्यू है। व्यू आ रहा गाइस, ये देखिए। तो अभी हम पहाड़ी के ऊपर हैं, माने चलते हैं यहाँ से बाहर, और क्योंकि अभी हमें शायद निकलना भी होगा, हमारा मीटअप भी है जयपुर में, तो उसके लिए भी निकलना है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि आज की डेट में हमारा मीटअप होना था लेकिन अब मिलने के चक्कर में ये मीटअप तो कैंसिल हो गया। मिलने के चक्कर की दिलदार भाई से मिल लेंगे, चलो अब कल आए थे, ये था कि भाई अब इतनी दूर आए हैं तो चलिए एक दिन और वेट कर लें, शायद कल मिल लेंगे, लेकिन कल जयपुर चले गए, राजस्थान चले गए वो। अभी जब शाम में फिर आते हैं घूम घुमा के तो बोलते हैं कि दिल्ली चले गए काम का टीम के साथ, और वही कल बोला जाता कि अलग अलग टीम अलग अलग सामान लेने आता। फाइनली गाइस चलते हैं यहाँ से क्योंकि हमें भाई जाना भी है, जयपुर चलते हैं, वहाँ मीटअप है, तो देख लीजिए भाई क्या है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, तो वो अब तो आप जानते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि क्या सही होता है। अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप यूट्यूब के एक क्रिएटर हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, तो आप तो भाई बाखूबी जानते हैं कि किसमें कितनी सच्चाई होती है, कितने झूठ होता है। जब अगर आप किसी से मिलने गए होंगे बड़े क्रिएटर के साथ तो आपको पता होगा कि किसमें क्या होता है, सब वही करते हैं यार, आप जाएंगे है ही नहीं, कल ही चले गए, सुबह ही निकल गए, यही सीन होता है भाई, मिलने का कोई तैयार नहीं होता। तो फाइनली कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी चलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि हमें हड़ाक यहाँ से निकलना पड़ेगा, 250 किलोमीटर और जाना है, जयपुर के लिए मीटअप है, तो क्या ही बोलूँ अब। चलिए